बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन द यूएसए। स्पेसिफिकली यूएसए की बात है और ट्रैफिक कंट्रोल की बात है। ये हमारा टेस्ट वन और पैसेज टू बुक एट, पैसेज टू और बुक एट। अच्छा, सबसे पहले हम लोग लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो हैं वो उनको सॉल्व करेंगे। और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या होता है, हमने एक एक पैराग्राफ पढ़ना होता है। अगर हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पढ़ के करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे। ए पैराग्राफ बी जो है वो सॉल्व किया हुआ है, उसको हम लोग ऑलरेडी क्रॉस कर देंगे इस तरह से। और पैराग्राफ की बी का आंसर क्या है, एक्स एक्स को हम लोग क्रॉस कर देंगे। अब आ जाए ज़रा अपने पैसेज पे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन हम क्यों पढ़ते हैं, इस वजह से ताकि हमें उसकी पूरी की पूरी मतलब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का पता चल जाए। एन एक्सीडेंट दैट अकर्ड इन द स्काइज ओवर द ग्रैंड कैनन रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। जब ये एक्सीडेंट हुआ था ग्रैंड कैनन 1960, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट क्या हुई थी, उन्होंने FAA बनाया था टू रेगुलेट एंड ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट इन द स्काइज ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, विच वर बिकमिंग क्वाइट कंजेस्टेड, जो कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड था। द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल हैज़ ग्रेटली इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ फ्लाइट इन द US एंड सिमिलर एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोसीजर्स आर ऑल्सो इन प्लेस ओवर मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम डेट्स मंथ्स ईयर्स और नाउंस को अंडरलाइन कर लेंगे। अंडरलाइन हम किसको करेंगे, सबसे पहले डेट्स मंथ्स ईयर्स एंड नाउंस। नाउंस क्या होते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस आर अ थिंग। जितने भी कीवर्ड्स हैं हम उन सबको अंडरलाइन कर लेते हैं। इसको अंडरलाइन करने का हमें बेनिफिट ये होता है कि हम लोग एग्जाम में इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ये था हमारा, ये हमने अपने सारे के सारे पैराग्राफ्स को अंडरलाइन कर लिया। अब आज पैराग्राफ नंबर ए पे, सबसे पहले हम लोगों ने पैराग्राफ ए पढ़ लिया। हम लोग इसका आंसर ऑटोमेटिक भी दे सकते हैं आप दोबारा बगैर पढ़े भी। इसमें उन्होंने क्या बताया कि जब फर्स्ट एक्सीडेंट हुआ था ग्रैंड कैनन का 1956 में, तो उसके बाद FAA बना था। आप देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या हो सकता है, डिसोबेइंग FAA रेगुलेशंस। क्या डिसोबे कर रहे हैं उनको, मतलब उनको ओबे नहीं कर रहे, ऐसी कोई बात नहीं। एविएशन डिजास्टर प्रॉम्प्ट्स एक्शन। अब देखिए ये एविएशन का एक एक्सीडेंट हुआ था, डिजास्टर मतलब कोई भी वाकया, तो उससे उन्होंने एक्शन लिया था। टू कोइंसिडेंट, दो की कोई बात नहीं, सेटिंग अल्टीट्यूड जोन की भी बात नहीं, एन ओवर सिंपली व्यू की भी बात नहीं, कंट्रोलिंग पायलट लाइसेंस की बात नहीं, डिफाइनिंग एयर स्पेस कैटेगरीज की बात नहीं, सेटिंग रूल्स टू वेदर कंडीशंस की, टेकिंग ऑफ सेफली, तो मतलब इस तरह की कोई बात नहीं। हमारा आंसर इसका क्या है, डबल आई। नेक्स्ट पे आ जरा सी पे। इन द 1940s, सेंटर्स कुड एंड डिड टेक एडवांटेज ऑफ द न्यूली डिवेल्प्ड रिडार एंड इम्प्रूव्ड टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉट अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वार। इसमें देखिए दो चीज़ें, एक रिडार आया और एक टेलीकम्युनिकेशन आया। अब याद रखिएगा, हर जो भी पैसेज आपके पास आए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में, जब उन्होंने ये दो दिया होगा तो ये हमेशा ऑलमोस्ट रिडार एंड रेडियो कम्युनिकेशन, ये दो वर्ड्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे उन्होंने दो की ही बात की होगी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, टू कोइंसिडेंशियल डेवलपमेंट्स, कौन सी आई थी, रिडार एंड रेडियो कम्युनिकेशन। तो हमारा आंसर इसका क्या है, ट्रिपल आई। इसका आंसर क्या है हमारा, ट्रिपल आई। किस वजह से ये आया हमारा आंसर, हम देखिए जो वैसे कहते हैं सिंपली कि हमारा आंसर जो है ना फर्स्ट टू लाइंस और लास्ट टू लाइंस में होता है, लेकिन जो स्मॉल पैराग्राफ होता है उस पूरे को पढ़ना पड़ता है।
मैनी पीपल थिंक दैट, वैसे जो हमारा आंसर होता है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट लाइन में ही होता है, ये याद रखिएगा. मैनी पीपल थिंक दैट ATC कंसिस्ट ऑफ अ रो ऑफ कंट्रोलर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देयर रेडार्स एट द नेशंस एयरपोर्ट टेलिंग अराइविंग एंड डिपार्चिंग ट्रैफिक व्हाट टू डू. यहाँ पे क्या कहते हैं, मैनी पीपल थिंक दैट ATC कंसिस्ट ऑफ अ रो ऑफ कंट्रोलर्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देयर रेडार, मतलब ये कि रो कंट्रोलर्स हैं जो कि वहाँ पे रेडार के सामने बैठे होते हैं नेशंस एयरपोर्ट्स पे, टेलिंग अराइविंग डिपार्चिंग ट्रैफिक व्हाट टू डू. मतलब ये कि आवाम को बताना है कि सॉरी जो भी पायलट्स वगैरह उनको बताना है कि आप लोगों ने अब क्या करना है, अगर वेदर की कंडीशंस के बारे में बताना है, मतलब आप लोग इस एयरपोर्ट पे उतर जाए अगर वेदर ख़राब है, या अगर कोई और मसला मसाइल है, या मतलब ये कि इतने इतने टाइम में एयरपोर्ट आपने इस जगह पे पहुंचना है. तो अब हम देखेंगे यहाँ पे आंसर हमारा क्या, सेटिंग अल्टीट्यूड जोन्स की बात हुई है यहाँ पे, नहीं हुई. एन ओवर सिंप्लीफाइड व्यू है, ये व्यू है, तो मतलब वो देखेंगे कि कौन से एयरपोर्ट पे कब और कैसे उतरना है. तो हमारा आंसर क्या है इसका, आई वी. नेक्स्ट पे ज़रा पैराग्राफ डी ई पे. टू मीट दिस चैलेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर पुट इन टू इफेक्ट. फर्स्ट ATC एक्सटेंड्स ओवर विचुअली द एंटायर यूनाइटेड स्टेट्स इन जनरल फ्रॉम टू मीट दिस चैलेंज. अब ये जो चैलेंज है इसको मीट करने के लिए द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर पुट इन टू इफेक्ट. एलिमेंट्स क्या होते हैं, अनासर, डिफरेंट थिंग. फर्स्ट ATC एक्सटेंड ओवर विचुअली द एंटायर यूनिट्स from 365 millimeter above the ground higher, the entire country is blanketed by controls airspace. यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने बताया कि जनरल फ्रॉम 365 अबव द ग्राउंड, 365 से अबव जो है ग्राउंड जो है ऊपर होता है, तो उसके लिए किस तरह और कौन से एरोप्लेन जो हैं यहाँ पे सेट करने चाहिए. इसका आंसर क्या हो सकता है, सॉरी हमने ना इसका गलती से आंसर जो है ना ओवरव्यू देना था इसका, फर्स्ट वाले का पैराग्राफ डी का, तो हम लोगों ने यहाँ पे आई वी दे दिया, लेकिन हमारा आंसर क्या है, वी है. याद रखिएगा हमारा आंसर वी है, लेकिन गलती से मैंने इसका आई वी लिख दिया. बताया मैंने आपको वी ही है, लेकिन लिख गलती से मैंने सेटिंग अल्टीट्यूड जोन्स कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो वो ओवरव्यू कर रहे हैं ना कि मतलब किधर उतरना, कब उतरना और कैसे उतरना. अब उसी के है कि वहाँ पे जब उन्होंने ये सेटिंग कर ली है कि हम उसको व्यू करेंगे, अब वो देखेंगे कि कौन सा एरोप्लेन किस लेवल पे उड़ेगा, मतलब उसकी वो कितने उसकी कौन सी क्लास जो है वो कितने मीटर्स अवे होगी ज़मीन से, और कौन सा एरोप्लेन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जो कि ऊपर हवाओं में से गुजर सकता है. तो इसका आंसर क्या है हमारा, ई का आंसर हम लोग क्या दे रहे हैं, आई वी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सेटिंग किया अल्टीट्यूड जोन्स. यहाँ पे देखिए ज़रा FAA regulations apply elsewhere in uncontrolled airspace, pilots are bound fewer regulations in this way. नेक्स्ट पे आ रहे हैं ज़रा पैराग्राफ एफ पे. अब उन्होंने पीछे क्या किया, उन्होंने यहाँ पे जोन्स जो है ना वो सेटिंग अल्टीट्यूड जोन जो है वो उन्होंने सेट कर दिए. अब देखिए जो अल्टीट्यूड जोन्स उन्होंने सेट किए हैं उसके आगे उसको देखते हैं कि वो किस तरह किस जगह पे सेट किए हैं. देन रिकॉग्नाइज टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट्स, दो तरह की उन्होंने कहा एनवायरनमेंट्स होंगी. इन गुड मेट्रोलॉजिकल कंडीशन फ्लाइंग वुड बी परमिटेड अंडर विजुअल फ्लाइट रूल्स VFR. It suggests a strong reliance on visual cues to maintain an acceptable level of safety. अब कहते हैं कि the FAA recognized two types of operating environments. In good meteorological conditions, flying would be permitted under visual flight rules. जो परमिशन लेंगे फ्लाइट वालों से उसको फ्लाई करवाने के लिए. अब हम देखते हैं कि इस बारे में क्या बात हुई है पीछे. कंट्रोलिंग पायलट्स लाइसेंस की बात नहीं हुई, डिफाइनिंग एयर स्पेस कैटेगरीज की भी बात नहीं हुई, सेटिंग रूल्स टू वेदर कंडीशंस. अब यहाँ पे देखो वेदर कंडीशंस परमिटेड अंडर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट्स, ये देखिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट,
टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात है, तो यहाँ पे क्या उन्होंने कहा है, सेटिंग रूल्स टू वेदर कंडीशंस। इसका आंसर हमारा क्या है, बी ट्रिपल आई। हमारा आंसर जो है हमेशा फर्स्ट लाइन में ही होता है, लेकिन हमको जब समझ नहीं आती तो हम लोग नेक्स्ट आगे जाते हैं। नेक्स्ट पे है ज़रा, कंट्रोल्ड एयर स्पेस इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिफरेंट टाइप्स। है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की बात हुई है, तो आप लोगों ने इसका आंसर क्या देना है, यहाँ पे देख लीजिए टाइप्स जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपने क्या करना है, कैटेगरीज देखनी है। जिधर भी आपको टाइप्स नज़र आ जाए आपने सिंपली कैटेगरीज पे जाके उसको क्लिक कर देना है। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, वी डबल आई। नेक्स्ट पे आए, क्यों इस सारे पैराग्राफ में हमने जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के आंसर दिए वो फर्स्ट लाइन को पढ़ के ही दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22-26 पे आ जाए, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। द एफ डबल ए वॉज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द जेट इंजन। कहते हैं जेट इंजन के इंट्रोडक्शन की वजह से एफ डबल ए वॉज बना था। An accident that occurred in the skies over the Grand Canyon 1950 resulted the establishment of FAA. तो FAA किस वजह से बने था, जो Grand Canyon 1956 में हुआ था। आंसर क्या है हमारा, ये फॉल्स है, क्योंकि ये उन्होंने अपोजिट दिया हुआ है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टार्टेड आफ्टर द ग्रैंड कैनन क्रैश इन 1950। कहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टार्टेड आफ्टर, आफ्टर या बिफोर, जहाँ पे आफ्टर होगा वहाँ पे आप लोग समझ लेना या आफ्टर होगा या बिफोर होगा, कभी भी नॉट गिवन नहीं होगा। रूडिमेंट्री एयर ट्रैफिक कंट्रोल इट्स एग्जिस्टेड वेल बिफोर द ग्रैंड कैनन डिसास्टर। ATC कब बना था, बिफोर। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, ये आफ्टर कहते हैं वो बिफोर कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या है, ये फॉल्स है। बीकन्स एंड फ्लैशिंग लाइट्स आर स्टिल यूज्ड बाय ATC टुडे। स्टिल यूज की बात है, यहाँ पे देख लेते हैं, बीकन्स एंड फ्लैश लाइट, बीकन्स एंड फ्लैश लाइट्स वर प्लेस्ड अलॉन्ग क्रॉस कंट्री रोड्स टू सर्विस द रिले। यहाँ पे उन्होंने यूज़ की बात ही नहीं, स्टिल यूज टुडे या पास्ट की बात ही नहीं की, तो ये क्या है हमारा, नॉट गिवन है। नेक्स्ट, सम इम्प्रूवमेंट्स वर मेड इन रेडियो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड। सम इम्प्रूवमेंट्स वर मेड, यहाँ पे आ गया हमारा वर्ल्ड वार सेकंड। अब देखते हैं, ATC सेंटर्स कुड एंड डिड टेक एडवांटेज ऑफ द न्यूली डेवलप्ड रडार एंड इम्प्रूव्ड रेडियो कम्युनिकेशन ब्रॉट अबाउट बाय द सेकंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे देखिए इम्प्रूवमेंट्स की ही बात हुई है, तो हमारा आंसर क्या है, ये ट्रू है। क्लास एफ एयर स्पेस इज एयर स्पेस विच इज बिलो 365 एंड नॉट नियर एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स के नज़दीक भी नहीं है और 365 से नीचे है। अब देखते हैं क्लास एफ किधर है, ये देखें, ये क्लास एफ आ गई पैराग्राफ नंबर जी में। कंट्रोल्ड एयर स्पेस इज डिवाइडेड इन सेवरल डिफरेंट कैटेगरीज। अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस इज डेजिग्नेटेड क्लास एफ। क्लास एफ क्या है, अनकंट्रोल्ड है। वाइल कंट्रोल्ड एयर स्पेस बिलो 5490 अबव सी लेवल एंड नॉट इन द विसिनिटी ऑफ द एयरपोर्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आप क्या कहते हैं, अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस इज डेजिग्नेटेड क्लास एफ वाइल कंट्रोल्ड एयर स्पेस बिलो 59490। तो इसका मतलब है कि ये अनकंट्रोल्ड है, यहाँ पे देख लें, ये अनकंट्रोल्ड है तो ये नीचे होगी और ये कंट्रोल्ड है तो ये ऊपर होगी। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, ट्रू है, अबव सी लेवल एंड नॉट इन द विसिनिटी ऑफ एन एयरपोर्ट इज क्लास ई। तो हमारा आंसर ये क्या है, नॉट नियर एयरपोर्ट, ये क्या है, ट्रू है। इन ऑल एयरक्राफ्ट इन क्लास ई स्पेस मस्ट यूज IFR क्लास ई। किधर है, यहाँ पे देख ले जरा। The reason for the division of class E and class A airspace stems from the types of planes operating in them. Class E airspace is where one finds general aviation aircraft and commercial turboprop aircraft above 5400 the realm of the heavy jets, since jet engines operate more efficiently at higher altitude. Between class E and airspace is that class, the difference between class E and A
एयर स्पेस इज दैट इन क्लास ए ऑल ऑपरेशंस आर आई एफ आर, क्या कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन क्लास सी एंड ए ए ए ए एयर स्पेस इज दैट इन क्लास ए ऑल ऑपरेशंस आर आई एफ आर एंड पायलट्स मस्ट बी इंस्ट्रूमेंट रेटेड। तो ये क्या कहते हैं कि क्लास ए वाले जो है वो मस्ट यूज आई एफ आर। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। अ पायलट एंटरिंग क्लास सी एयर स्पेस इज फ्लाइंग ओवर एन एवरेज साइज सिटी। क्लास सी देख रहे जरा किधर है, क्लास सी एयर स्पेस इज एस्टेब्लिश टू वे रेडियो कॉन्टैक्ट विद एटीसी, नो एक्सप्लिसिट परमिशन फ्रॉम एटीसी टू एंटर इन इज नीडेड, ऑल्दो द पायलट मस्ट कंटिन्यू टू ओबे ऑल रेगुलेशंस। क्लास सी दोबारा पढ़ लेते हैं ऊपर से। दिस कॉरिस्पॉन्ड रफली टू स्मॉल म्यूनिसिपल मीडियम साइज। अब यहाँ से पढ़ें, थ्री टाइप्स ऑफ एयर स्पेस क्लास डी सी और बी, ये तीन क्लासेज हैं। गवर्न द विसिनिटी ऑफ एयरपोर्ट, दिस कॉरिस्पॉन्ड रफली टू स्मॉल म्यूनिसिपल मीडियम साइज मेट्रोपोलिटन एंड मेजर मेट्रो एयरपोर्ट्स रिस्पेक्टली एंड इनकॉम्पास एंड इंक्रीजिंग रिगोरस सेट ऑफ रेगुलेशंस। ये आंसर क्या है, फ्लाइंग ओवर एवरेज साइज सिटी। एवरेज साइज सिटी आपने देख लिया यहाँ पे मीडियम साइज, तो हमारा आंसर क्या है, ये ट्रू है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22-26 और पैसेज है हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन द यूएसए, बुक है हमारी 8 एकेडमिक। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।